अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज फिर हाजिर हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मैं बना रही हूँ साबुत मसर, जिसके लिए मैंने ये दो प्याज ले ली है, दो टमाटर ले ली है, एक टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है और तीन से चार अदरक हरी मिर्च ले ली है। साबुत मसर एक कप लिया है मैंने, जिससे मैंने आधा पौना घंटा भिगो के रखा हुआ था, और एक लीटर पानी ले लिया है, और ये स्पाइसेस रेड मिर्च है, हल्दी है, सूखा धनिया है, और कुटी हुई मिर्च है, और नमक है। ये सब चीज़ें मैंने एक एक टीस्पून ली है। तो आज हम बनाएंगे कुकर में ये दाल। ये मैंने कुकर ले लिया है और इसमें अब हम ये सब चीज़ें ऐड कर देते हैं। अच्छा व्यूवर्स, ये मैंने तकरीबन 20 मिनट कुकर लगाया है, तो अभी मैंने ये खोला है 20 मिनट के बाद। तो आप ये देख सकते हैं, दाल अच्छे से गल गई है और कुछ है नजर आ रहा हूँ, ये देख सकते हैं गल चुकी है। चलिए मैं अब इसका तड़का लगाऊंगी, तो फिर मैं आपको तड़का लगा कर डिश आउट करके बताऊंगी। व्यूवर्स, ये मैंने एक पैन ले लिया है, सराहट की आवाज़ आने लगती है, और ये भी हल्का सा ब्राउन हो गया, तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और ये इस दाल में अच्छे से गरम मसाला ऐड करें, हाफ टी स्पून देख सकते हैं आप। फाइनली दाल रेडी हो चुकी है, और इसके साथ मैंने बना लिया है राइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल